नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और सूर्य ग्रहण की इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है दिवाली 2022 के वर्ष में 24 अक्टूबर को मनाई जा रही है और इसके साथ साथ एक सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यह दिवाली के दिन आने वाला सूर्य ग्रहण है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार दिवाली का पर्व अमावस्या को आना चाहिए, लेकिन अब की बार दिवाली सूर्य ग्रहण पर आ रही है, इसलिए दिवाली का दिन एक दिन पहले तय हुआ है और 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब रखिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सभी को बताइएगा कि इस दिवाली पर सूर्य ग्रहण क्या प्रभाव डालने वाला है, इसका दिवाली के पर्व पर आपको क्या सावधानियां रखनी है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को किस प्रकार से सावधानियां बरतनी है ताकि दिवाली पर होने वाले इतने बड़े पर्व पर होने वाले सूर्य ग्रहण का उन पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और हम आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण का सही समय क्या होगा, इसका दिवाली पर प्रभाव क्या होगा, दिवाली का समय क्या होगा, अमावस्या की तिथि, ग्रहण की तिथि और समय, सूतक समय और उसका प्रभाव कब से शुरू हो जाएगा और भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखेगा या नहीं दिखेगा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है और हम इसका जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें और जानें दिवाली पर सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं दिवाली की। तो दोस्तों, दिवाली पर सूर्य ग्रहण आ रहा है। इस बार दिवाली कार्तिक मास की 24 अक्टूबर 2022 को शाम 5:29:35 पर शुरू हो जाएगी। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का समय है ये 24 अक्टूबर 2022 को शाम 5:29:35 पर यह शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ अभी बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा और भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर की शाम 4:29 पर शुरू हो जाएगा और यह चलेगा 5:30 तक, यानी कि यह लगभग 1 घंटा और 1 मिनट तक चलने वाला सूर्य ग्रहण होने वाला है। और दोस्तों, यह समय टोटली भारत का है, संपूर्ण भारत का समय यही है सूर्य ग्रहण का। तो आप सूर्य ग्रहण के सही जानकारी के लिए इधर उधर न भटकें क्योंकि सूर्य ग्रहण का उचित और सही समय यही है 4:25 अक्टूबर 2022 को शाम 4:29 पर सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा और यह 5:30 तक चलेगा, यानी कि 5:30 पर यह सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण क्या भारत में दिखाई देगा। तो हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब पहले ही दे देते हैं, सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा और कुछ ही शहरों में यह दिखाई देगा। और बात करते हैं इसके प्रभाव की, यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है तो इसका प्रभाव भारत में कम होगा, लेकिन यह भारत में कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। तो आप अगर आपके शहर का सही समय जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिख दीजिए और हम आपको अवश्य ही बताएंगे कि आपके शहर में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा या नहीं देगा। तो अपने शहर का नाम नीचे कमेंट में अवश्य ही लिखें। अभी बात करते हैं यह सूर्य ग्रहण दुनिया के और किन किन हिस्सों में दिखाई देने वाला है। 25 अक्टूबर को लगने वाला साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, यानी कि यह दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है और इसके पश्चात चंद्र ग्रहण भी आने वाला है 4 नवंबर को। और बात करते हैं इस सूर्य ग्रहण की, तो यह दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में दिखाई देगा, एशिया में और यूरोप में, अफ्रीका में और उत्तर पूर्वी भागों में, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग हैं उनमें भी यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा।
और अटलांटिक के भी बहुत से हिस्सों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 का सूतक समय की अब हम बात कर लेते हैं। तो सूतक समय बहुत ही विशेष होता है और इसमें पूजा पाठ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि दिवाली की पूजा बहुत ही विशेष है इस ग्रहण के लिए और दिवाली की पूजा के दौरान ही यह सूर्य ग्रहण आने वाला है। तो दिवाली की रात को ही सूर्य ग्रहण का सूतक समय शुरू हो जाएगा, तो इस बात पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य ग्रहण का शुरू होने का समय 4:29 है, तो इसलिए सुबह के 4:29 पर ही यह सूर्य ग्रहण का सूतक समय शुरू हो जाएगा। तो आपको दिवाली के रात आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन आप जल्द ही दिवाली की पूजा पाठ समाप्त कर लें ताकि आपको सूर्य ग्रहण का किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े। अभी बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, तो इस सूर्य ग्रहण पर गर्भवती महिलाएं विशेष तौर पर सावधान रहें, क्योंकि दिवाली का त्यौहार और सूर्य ग्रहण दोनों साथ साथ आ रहे हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी की आवश्यकता है। वो कोई भी एक विशेष उपाय अवश्य ही कर लें ताकि उनको सूर्य ग्रहण की नेगेटिव एनर्जीज का कोई भी इफेक्ट न हो। सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए आप सूतक समय वहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि सूतक समय वहीं लागू होता है जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसलिए आप अपने शहर का नाम नीचे कमेंट में अवश्य ही लिखें ताकि आपको अच्छी प्रकार से जानकारी हो जाए कि आपके शहर में सूर्य ग्रहण दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो अगर आपके शहर में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो आपको विशेष सावधानियां रखने की बहुत कम आवश्यकता है, इसलिए आप अपने शहर का नाम नीचे कमेंट में अवश्य ही लिखें। तो अभी बात कर लेते हैं इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब समाप्त होगा। तो सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के साथ ही सूतक काल खत्म हो जाता है और मंदिर के दरवाजे भी खुल जाते हैं। सूतक काल के दौरान आप विशेष सावधानी जरूर रखें और पूजा पाठ न करें, बस सूर्य ग्रहण से संबंधित उपाय अवश्य ही करें। गर्भवती महिलाओं को इस सूर्य ग्रहण पर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट अवश्य ही कीजिए और अपने प्रश्न को कमेंट में अवश्य ही लिखें। दोस्तों, इस ग्रहण के पश्चात भाई दूज का त्यौहार भी है, तो इसका इफ़ेक्ट भाई दूज के त्यौहार पर कोई भी नहीं पड़ने वाला है, यह भाई दूज से पहले ही समाप्त हो जाएगा सूर्य ग्रहण। दोस्तों, सूर्य ग्रहण की आपको बिल्कुल 100% और उचित जानकारी मिल सके इसलिए हम आपको समय दोबारा बता रहे हैं। भारतीय मानक समय के अनुसार 25 अक्टूबर 2022 को शाम 4:29 पर सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा और यह सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 की शाम को ही 5:30 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा और 1 मिनट तक यह सूर्य ग्रहण चलेगा। अभी बात कर लेते हैं अमावस्या की। अमावस्या की तिथि किस प्रकार से रहेगी। दोस्तों, अमावस्या का समय भी आप ध्यान से सुन लीजिए। भारत मानक समय के अनुसार 24 अक्टूबर 2022 को यानी कि दिवाली की शाम 5:27 पर अमावस्या की तिथि शुरू हो जाएगी और यह है 25 अक्टूबर को 5:27 तक, यानी कि सूर्य ग्रहण समाप्त होने तक यह अमावस्या की तिथि रहेगी। तो इस प्रकार से अमावस्या की तिथि की भी जानकारी आपको लग गई है। तो आपको सूर्य ग्रहण को लेकर कोई भी डाउट है तो आप अवश्य ही कमेंट करें और प्रेग्नेंट लेडीज़ सूर्य ग्रहण को लेकर विशेष तौर पर सावधान रहें। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के प्रभाव की बात हम कर लेते हैं। तो किस राशि पर इस सूर्य ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, किन राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। तो विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि तुला राशि के लोगों को, तुला राशि के जो जातक हैं उनको इस सूर्य ग्रहण पर सावधान रहने की आवश्यकता है और कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले सावधानी बरतें और किसी की भी सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें और प्रॉपर्टी और अनेक प्रकार के आर्थिक
और पैसों के फैसले बिल्कुल सोच समझ कर लें, ताकि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आप पर कुछ भी न पड़े। तो आप सोच समझ कर फैसले अवश्य ही लें। तुला राशि के लोगों को इस सूर्य ग्रहण पर सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। कोई भी कार्य सलाह करके अवश्य ही करें। तो इस वीडियो पर आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य ही रखें, और अगर आपकी राशि तुला है तो आप कमेंट अवश्य ही कीजिए, और इसके पश्चात आपके शहर में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा या नहीं देगा वह जानने के लिए भी आप नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम अवश्य लिखें। तो सूर्य ग्रहण की इस वीडियो में इतना ही, और दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।